नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिना। वर्तमान में थाना जय सिंह नगर में शराब ठेकेदार के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं। अवैध शराब की पैकारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गत दिवस जय सिंह नगर निवासी शिवम राव और उनके कुछ सहयोगियों को सुबह जानकारी प्राप्त हुई कि जय सिंह नगर में संचालित अंग्रेजी शराब दुकान के कुछ कर्मचारी थाना जय सिंह नगर के पीछे शराब की अवैध पैकारी के लिए शराब बेचने जा रहे हैं, जिसका शिवम राव एवं उनके साथियों द्वारा पीछा किया गया और शराब दुकान के कर्मचारी को शराब की पेटी बेचते हुए रंगे हाथ पकड़कर शराब सहित दुकान के कर्मचारियों को थाने के हवाले कार्यवाही के लिए सुपुर्द किया गया। लेकिन थाना प्रभारी जय सिंह नगर का अचानक से तस्करों के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा एवं निर्दोष युवाओं के विरुद्ध लूटपाट सहित गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज करा दिया। थाना प्रभारी जय सिंह नगर इन दिनों खुलेआम तस्करी को बढ़ावा देते हुए निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। उक्त शराब पैकारी को लेकर पत्रकारों का एक दल भी पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन शराब माफियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसका खामियाजा निरपराध लोगों को भुगतना पड़ रहा है। घटना ये हुई है कि अवैध पैकारी की मेरे को सूचना मिली। कहाँ थे आप? मैं बस स्टैंड में था। अच्छा। जिसके बाद मैंने भट्टी वालों का पीछा किया, उनका वीडियो फुटेज बनाया। वो वार्ड नंबर 13 में केवट मोहल्ले में जाके अवैध पैकारी की शराब बेचे, वहाँ पे जिसको दिए उससे पैसे लिए। हमने उस कस्टमर का पैसा वापस करा के और वो शराब को लेके मैं और दीपक त्रिपाठी सीधे थाना में गए।